height and distance reads, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the height of 20 meter high building is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. What is the meaning of this question? The meaning of this question is, there is a 20 meter building. On the top of the 20 meter building, we are placing a transmission tower, and from a point, we are observing the angle of elevation. See, the bottom of the transmission tower is the top of the building, and top of the transmission tower, of course, is top of the transmission tower. So let us draw the figure. यानि एक building के ऊपर transmission tower को रखा है और एक आदमी यहाँ से देख रहा है. तो जब वो देख रहा है, उसको लगता है कि transmission tower का bottom 45 degree पे है या building का top 45 degree पर है. Transmission tower का कितना है? 45 degree पे है और ये है 60 डिग्री पर है और ये 45 डिग्री पर है. तो आपको क्या पूछा है कि टावर का हाइट कितना है बताइए. तो जब ऐसे फिगर आता है तो ये हमारा बिल्डिंग बन रहा है, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. पहली बार जब मैं देख रहा हूँ तो 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, दूसरी बार जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो 60 डिग्री दिखाई दे रहा है. तो मुझे बताना है कि इसका हाइट कितना होगा. तो यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखते हो उसके फिगर इज कंपलसरी इन द एग्जामिनेशन. फिगर तो आपको बनाना ही है, उसके साथ साथ आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन भी देना है. ए बी आप कहोगे बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर है. बी डी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग टू द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. डी ये डिस्टेंस है, डी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. सी ए हमारा ट्रांसमिशन टावर है तो उसका हाइट हम कहेंगे एच. तो अभी हमको इस आधार पर हमें बताना है कि भाई हाइट ऑफ द टावर कितना होगा. तो सबसे पहले काम हम एक काम करेंगे कि जितने राइट एंगल ट्रायंगल है वो आप यूज़ करो. और एक गोल्डन रूल मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी 45 डिग्री होता है तो 45 डिग्री वाला ट्रायंगल फर्स्ट ले लो. ऑलवेज टेक 45 डिग्री, द ट्रायंगल कंटेनिंग 45 डिग्री फर्स्ट. व्हाई आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो यहाँ आप देखिए कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है ए बी डी और दूसरा बन रहा है सी बी डी. तो पहला 45 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला है. तो ए बी डी यहाँ पर कौन सा है? अपोजिट साइड आपको दे दिया है और बेस हम यहाँ पर ढूंढेंगे. तो क्या करेंगे? अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टोवा. तो इसीलिए हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी. इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हम टैन 45 लेंगे. तो टैन 45 की वैल्यू होगी अपोजिट साइड ए बी बाय बी डी. तो ए बी अपॉन बी डी आप ले लीजिए. तो ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर्स, तो इसको मैं 20 लिखूंगा. बी डी डिस्टेंस को हमने x लिया है तो ये कितना होगा? x हो जाएगा. तो tan 45 की वैल्यू है 1, तो ये 1 को मैं 1/1 लिखता हूँ और ये 20 बाय x लिखता हूँ. इफ़ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 20 मीटर्स. तो कुछ बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया बच्चों. राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी डी, उसके अंदर मैंने टेन 45 यूज़ किया. उसके बाद दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा सी बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी. यहाँ पर भी मुझे अपोजिट साइड चाहिए और यहाँ पर बेस चाहिए, तो वो होगा टेन 60. टेन 60 मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइड और बेस को जोड़ने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टैन थीटा. तो वो होगा बी सी बाय दिस लेंथ, बी सी बाय बी डी. तो ये बी सी बाय बी डी अगर चाहिए, तो अगर मुझे बी सी चाहिए तो ये होगा ए बी प्लस एच, यानी 20 मीटर प्लस एच. ये टोटल लेंथ होगा, ये एच हमने लिया है, ये प्लस ये 20, सो ये होगा 20 प्लस एच. तो मैं इसको लिखूँगा बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस एच, और ए बी की लंबाई है, ए बी इज द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपको दिया है 20 प्लस एच. बी डी आपको पता है, बी डी हमने अभी ढूंढा है, बी डी है एक्स के बराबर. बी डी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 20. एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 20. तो अब आपको टैन 60 की वैल्यू ढूंढनी है.
तो tan 60 की वैल्यू होगी, tan 60 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ BC आई विल राइट इट एज 20 प्लस H एंड इन प्लस ऑफ BD आई विल राइट इट एज X. तो BD इज इक्वल टू X और X इज इक्वल टू हाउ मच 20. सो आई विल राइट इट एज 20. तो tan 60 की वैल्यू है रूट 3 20 प्लस H डिवाइडेड बाय 20. सो बच्चों इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 20 रूट थ्री इज इक्वल टू 20 प्लस एच. इसको मैंने अगर इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये होगा 20√3 − 20 इज इक्वल टू एच. अगर मैंने यहाँ 20 कॉमन ले लिया तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 20, यहाँ कॉमन अगर मैंने ले लिया तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 20√3 − 1 meters. 20√3 − 1 meters. तो फिर से एक बार जस्ट शॉर्ट में आप एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कीजिए. द ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, यहाँ से व्यक्ति देख रहा है. पहली बार उसको 45 डिग्री पे दिखता है, दूसरी बार उसको 60 डिग्री पे दिखता है. तो पहले मैंने क्या किया, ए बी डी ट्राइंगल ले लिया और एक्स की वैल्यू 20 ले ली. अगली बार मैंने क्या किया, सी बी डी ट्राइंगल लिया और वहाँ पर हमने क्या किया, ये ट्राइंगल दिस साइड अपॉन दिस साइड उसको ले लिया. तो हमें लास्ट में सॉल्व करने के बाद 20√3 − 1 meters ये हमको हाइट ऑफ द टावर मिल गया. एग्जाम में फिगर इज इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट और ये ट्राइंगल्स के बारे में लिखना भी बहुत जरूरी है. अगला क्वेश्चन कहता है अ स्टैच्यू इज 1.6 meter tall. एक स्टैच्यू है 1.6 meter tall है, स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टियल, यानी एक इसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर पेडेस्टियल के ऊपर स्टैच्यू खड़ा है. तो एट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 degree. यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो स्टैच्यू मुझे 60 डिग्री पे दिखाई दे रहा है. फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल इज 45 degree. फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टियल. देखिए एक मूर्ति हमने यहाँ पर खड़ा की है पेडेस्टियल के ऊपर और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मूर्ति का बॉटम या टावर का ये जो पेडेस्टियल का टॉप दोनों एक है. तो ये मुझे दिख रहा है, इसको उन्होंने दिया है इट इज़ एट एन एंगल ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू 60 degree फ्रॉम द सेम. सो ये है एट एन एंगल ऑफ 45 degree और ये है एट एन एंगल ऑफ 60 degree, क्योंकि आपके एग्जाम में 60 और इसके अलावा कोई और दिया ही नहीं है. तो फाइन स्टैचू 1.6 meter tall स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टियल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 degree. फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल इज 45 degree, जैसे मैंने आपको बताया. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टियल, सिंपल बात है. अभी तो जो बातें मैंने आपको बताई उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बी सी इज पेडेस्टियल, बी सी को मैंने क्या कहा, पेडेस्टियल कहा. तो ए बी को मैंने क्या कहा, स्टैचू कहा. फिर बाद में क्या है, डी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. फिर डी सी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बॉटम ऑफ द पेडेस्टियल. फिर से हमको वही बात करनी है. कौन सी बात करनी है, tan 45 आप फर्स्ट लोगे. तो tan 45 फर्स्ट लोगे तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो इन ट्राइंगल BDC आप tan 45 अगर लोगे तो आपको मिलेगा BC अपॉन DC. tan 45 की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू H है और DC की वैल्यू X है. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा H इज इक्वल टू X मीटर्स, यानी जहाँ पर भी H है वहाँ पर X, यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टियल और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है. अब इसके आगे दूसरा मुझे लेना पड़ेगा कि दिस वन दिस बाय दिस, यानी ए सी डी ट्राइंगल. तो वहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज द अपोजिट साइड एंड दिस इज द बेस. द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट कनेक्ट्स अपोजिट साइड एंड बेस इज टैन थीटा. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ए सी डी
एसीडी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर टैन 60 डिग्री अगर मुझे चाहिए तो दैट इज इक्वल टू एसी अपॉन डीसी। तो एसी अगर मुझे चाहिए तो एबी प्लस बीसी यानी स्टैचू का हाइट प्लस पेडेस्टियल का हाइट इज इक्वल टू एसी का हाइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी, एबी प्लस बीसी। और एबी कितना दिया है आपको, एबी इज 1.6 मीटर्स जो स्टैचू का हाइट है और बीसी इज इक्वल टू एच है। तो ये होगा 1.6 प्लस एच, दिस इज द लेंथ ऑफ एसी। नेक्स्ट आपको डीसी चाहिए तो डीसी इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, डीसी इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू एच। इसको आप चाहे तो इक्वेशन ए कह सकते हो, इसको बी और इसको चाहे तो आप यू कैन कॉल इट एज सी। तो अब टैन 60 की वैल्यू अगर आप डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, टैन 60 इज इक्वल टू एसी इज 1.6 प्लस एच, एसी इज 1.6 प्लस एच और डीसी इज एच। तो टैन 60 इज रूट 3 एंड दिस इज 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू रूट 3 एच। अगेन इसको ट्रांसपोज कीजिए बच्चों तो 1.6 इज इक्वल टू रूट 3 एच माइनस 1 एच। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1.6 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इंटू एच। तो एच इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। नाउ इसको रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा एंड रैशनलाइज क्लास 9 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। तो ये होगा 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 और ये है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो ये होगा रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और रूट 3 स्क्वायर 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 स्क्वायर होता है 3 और 3 माइनस 1 होगा 2, यानी 2 वन ज़ा 2 और 2 ये 0.8 होगा। यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टियल इज 0.8 इंटू ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, रूट 3 की वैल्यू भी आपको दे देते हैं। तो रूट 3 की वैल्यू अगर आपको दे देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर 1.73 प्लस 1 आप करोगे तो 0.8 इंटू 2.73 आप करोगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ मीटर मिलेगा। करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस अगर कहते हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं और यहाँ पर भी दो ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पर आपको यहाँ का हाइट पूछा है तो यहाँ पर आपको नीचे वाला हाइट पूछा है। कंपेयर द टू प्रॉब्लम्स, मेथड इज सेम, दोनों में दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है मगर यहाँ पर टॉप का हाइट आपको पूछा है, जिसको ये ट्रांसमिशन टावर का हाइट अगर आपको पूछा है तो यहाँ पर आपको पेडेस्टियल का हाइट पूछा है। मगर मेथड इज सेम, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आएगा, टैन थीटा आपको यूज़ करना है और टैन 45 को आपको फर्स्ट यूज़ करना पड़ेगा।